दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल और टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया का स्टार ओपनर केएल राहुल अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं और न्यूजीलैंड जाने के लिए कमर कस ली है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले टीम इंडिया को बड़ी खुशखबरी मिली है। जी हाँ, टीम इंडिया के बल्लेबाज केएल राहुल पूरी तरह फिट हो गए हैं और वो मंगलवार को बेंगलुरु से मुंबई पहुंचेंगे। बता दे, आईपीएल 2021 के दौरान केएल राहुल का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद लिंक कोरोना वायरस की वजह से बीच में स्थगित हो गई थी केएल राहुल का चयन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए हुआ है और वो बुधवार को बेंगलुरु से मुंबई पहुंचेंगे। दिलचस्प बात यह है कि केएल राहुल पहले सड़क के रास्ते बेंगलुरु से चेन्नई जाएंगे और उसके बाद वो मुंबई की उड़ान पकड़ेंगे। राहुल के दोस्त मयंक अग्रवाल भी राहुल की तरह ही सड़क के रास्ते चेन्नई जाएंगे और वहां से मुंबई जाएंगे। बता दें, मुंबई के 24 मई को सभी खिलाड़ियों को बायो बबल में पहुंचना है। इससे पहले सभी खिलाड़ियों के दो दो कोविड टेस्ट होंगे और दोनों ही टेस्ट में निगेटिव आने वाले खिलाड़ियों को ही बायो बबल में रखा जाएगा। बता दें, इंग्लैंड दौरे पर जाने वाले टीम इंडिया के खिलाड़ी चार्टर विमान के जरिए मुंबई पहुंचेंगे। ये चार्टर विमान हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली से उड़ेंगी। हैदराबाद से मोहम्मद सिराज ने मुंबई पहुंचना है, वही हनुमा बिहारी पहले से ही इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। चेन्नई से उड़ने वाले चार्टर विमान में आर अश्विन, वाशिंगटन सुंदर उड़ान भरेंगे, उनके साथ केएल राहुल और मयंक अग्रवाल भी होंगे। दिल्ली से उड़ने वाले चार्टर विमान में ऋषभ पंत, शुभमन गिल, उमेश यादव, अवेश खान, अभिमन्यु ईश्वरी और ईशांत शर्मा सवार होंगे। वही चेतेश्वर पुजारा, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, अर्जुन नगवाल गुजरात से मुंबई सड़क के रास्ते पहुंचेंगे।